you know, a community work, community growth can contribute in, into your regular studies, you know, which so many students face when they are studying alone. ठीक है, सो टुडे आई एम गिविंग यू अ 2 मिनट टिप, है ना, कि टुडे इज 10th फेब और आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं. आपको दिख रहा है 6th से 12th अप्रैल तक, राइट. आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, है ना, इसको. तो आज का काम मैं आपको देने वाला हूँ, है ना, कम से कम अभी दिन के 12 बज रहे हैं, तो 12 से 3 बजे तक आपको कम से कम 30 क्वेश्चन लगा लेने मिनिमम. ये स्टार्टिंग के लिए, आपको पता है कि इन्हीं 3 घंटों में आपको इस तारीख को, है ना, जस्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज, जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स लेटर यू शुड बी एबल टू डू, यू नो, 90 क्वेश्चंस विद इन दीज 3 आवर्स. और अगर उतनी की तैयारी नहीं हो पाती, तो अगर 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी करते हो, राइट, समझ रहे हो, 90 में सो हाउ मच मार्क्स विल गेट, सो दैट्स टू मच. अगर 50 क्वेश्चन भी करते हो, दैट मीन्स दिस इज 200 मार्क्स, 99th percentile, यू नो, ठीक है. तो 10 फरवरी को आप 30 क्वेश्चन कर लो. ये 30 क्वेश्चन किधर के करने हैं, तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना. कम से कम देखो, अभी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास जे एडवांस का भी एक ऑप्शन खुला हुआ है. तो जे एडवांस में एक सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ होता है जो आपको क्लियर करना होता है, और वो अचानक बिल्ड नहीं हो जाएगा, है ना. तो ये अलग बात है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई स्ट्रांग हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम और बेसिक जानकारी सारे टॉपिक्स की आपको होनी चाहिए. और मैथ्स की उतनी जानकारी तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काम आती है, राइट, आपके कैलकुलेशन पावर को भी इन्हांस करेगी. टफ लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी. तो 10 क्वेश्चन आप इधर करो, और फिर, है ना, इसके बाद में एडिशन आपको बिल्ड करना है. आपका जो फेवरेट टॉपिक है उसको आप इसके बाद टाइम दे सकते हो, ठीक है. तो ये करो, फिर सेकंड में आप 1 घंटा का रेस्ट ले सकते हो, और फिर 4 से 6 तक या फिर 7 तक, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में आप नेक्स्ट टॉपिक करो. और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना है आप उसको कमेंट कर सकते हो, है ना. मैं चूँकि आपसे, मैंने आपने आपसे बात नहीं करी है, आई हैवंट इंटरेक्टेड विद यू, विद एनी ऑफ यू, तो अनटिल आई मेक अ 2-3 पॉसिबल प्लान्स, है ना, जो कि 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, तब तक तुम्हें जो समझ आए वो तुम करो, है ना. लेकिन शुरू करना तो तुम बताना ज़रूर. तुम कम्युनिटी में, ग्रुप में जुड़ भी सकते हो. कल वाली वीडियो में जिसका लिंक मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन में, आज भी डाल दूंगा. सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, इन आवर डेली मेंटोरशिप सीरीज. ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, यस, कीप डूइंग.